अब नेक्स्ट टॉपिक है करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली बना होता है कार्बन से। सो कार्बन की जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। सो एक प्रॉपर्टी है हमारे पास कार्बन की जिसको हम कहते हैं कैटिनेशन, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किस चीज़ की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना होता है कार्बन से, और कार्बन की एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन मीन्स सेल्फ लिंकेज, यानी एक कार्बन क्या कर रहता है, दूसरे कार्बन से बॉन्ड बनाता है। सो इन दिस फॉर्म क्या हो जाता है, लॉन्ग चेन्स बन जाते हैं। सो लाइक सपोज ये हमारे पास एक चेन्स है जो हमारे पास बना होता है कार्बन से। अब इस प्रॉपर्टी को सेल्फ लिंकेज जो है इसको कहते हैं कैटिनेशन। सो इसी वजह से बड़े बड़े कंपाउंड हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड इस कार्बन की इस प्रॉपर्टी की वजह से मौजूद है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है हमारे पास है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म सो ये टू लब्स से बना है। आइसो मीन सेफ, मेरिज्म मीन मार्फोलॉजी। अब मार्फोलॉजी या मार्क, सो मार्क किस चीज को कहते हैं, शेप को कहते हैं। सो आइसोमेरिज्म है ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास आइसोमेरिज्म है, मींस कि हमारे पास इसके शेप जो है ये सेम होती है, या हमारे पास दो से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसका फार्मूला हमारे पास सेम होता है बट स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसको हम कहते हैं आइसोमर्स, और इस फेनोमेना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। सो लाइक हमारे पास टू कंपाउंड्स हैं। सो इसका एग्जांपल अभी आगे हम पढ़ेंगे। ऐसी कंपाउंड हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है जिसका हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है पर स्ट्रक्चर हमारे पास डिफरेंट होता है। आइसोमेरिज्म में हमारे पास क्या होता है, फार्मूला हमारे पास एक होता है बट जो स्ट्रक्चर होता है या शेप होता है वो हमारे पास डिफरेंट होता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है नॉन आयनिक करेक्टर। सो कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज़्यादातर बांड हमारे पास कार्बन कार्बन है, और इसके साथ साथ हमारे पास ज़्यादा बांड किस चीज़ की है, हाइड्रोजन की है। सो कार्बन कार्बन में तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो है, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम है। इसी वजह से ये जो सारे बांड्स है ये हमारे पास क्या है, नॉन आयनिकी या कोवेलेंट बांड्स है। फोर्थ प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो हमारे पास जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है सॉल्युबिलिटी, इसके मुताबिक हमारे पास लाइक डिजॉल्व्स लाइक का एक फेनोमेना है, यानी जो पोलर सब्सटेंसेस है वो पोलर में साल होते हैं और नॉन पोलर सब्सटेंसेस हमारे पास क्या है, वो साल होते हैं नॉन पोलर में। यानी आयनिक हमारे पास क्या होते हैं, आयनिक में साल होते हैं और नॉन आयनिक में साल होते हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास कोवेलेंट होते हैं या नॉन आयनिक होते हैं या मतलब नॉन पोलर है। इसी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास, ये हमारे पास सॉल्युबल है इन नॉन पोलर सब्सटेंसेस, और पोलर में हमारे पास क्या है, ये इनसॉल्युबल है। अब नेक्स्ट हमारे पास है जो प्रॉपर्टीज है वो हमारे पास है रिएक्टिविटी या रेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास कोवेलेंट बांड्स होते हैं। सपोज इसमें हमारे पास एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच होता है। सो जब ये रिएक्ट करते हैं तो पहले ये बांड जो है, जो कार्बन के बीच जो बांड है, ये बांड ब्रेक होते हैं और फिर जाकर ये कंपाउंड हमारे पास नई कंपाउंड यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे अदर कंपाउंड से बांड्स बना देता है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो रिएक्शन है वो हमारे पास रिएक्शन क्या है, स्लो रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड है, आयनिक नहीं है, इसलिए ये कंपाउंड पहले जिसके अंदर पहले जो बांड्स होते हैं पहले ये बांड्स टूटते हैं और फिर जाकर ये हमारे पास क्या करते हैं, नए बांड्स बना देता है। सो इसी वजह से इसका जो रिएक्शन है हमारे पास स्लो है।
जबकि ऑन द अदर साइड जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, इसमें हमारे पास लाइक एन ए प्लस एक कंपाउंड है, सी एल दूसरा कंपाउंड है आयनिक, ये दोनों डायरेक्टली आकर एक दूसरे से बाड बना लेता है और एक फास्ट रिएक्शन कर लेते हैं। सो याद रखिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसका रिएक्शन स्लो होता है और नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, फास्ट होता है। अब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर या ज़्यादातर कंपाउंड की स्ट्रक्चर सेम होती है और केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। लाइक एसआर जितनी भी अल्केन्स हैं उसमें हमारे पास एक ट्रेंड है, उसमें हमारे पास बहुत सारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है। इसी तरह हमारे पास जितनी भी मिलियंस ऑफ अल्कीन्स है, हंड्रेड्स ऑफ अल्कीन्स है, या जितनी भी हमारे पास अल्कोहल्स है, सो मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल या इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, जो अल्कीन है, अल्केन है, या जितनी अल्कीन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनकी भी जो प्रोडक्शन होती है, या जिसके अलावा इसके जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उसमें हमारे पास सिमिलरिटी होती है। इसी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा ईजी है और ये इसकी एक खूबी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो एक टॉपिक लास्ट कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह रेस्ट ऑफ चैप्टर जो है ये नेक्स्ट चैप्टर में कर लेंगे। सो लास्ट टॉपिक हमारे पास है एलोट्रॉपिक स्पॉर्म ऑफ कार्बन, और वो भी हमारे पास है बकीपाल। सो एलोट्रॉपिक स्पॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन हमारे पास एक एटम है जिसके हमारे पास डिफरेंट एलोट्रॉपिक स्पॉर्म है। एलोट्रॉपिक स्पॉर्म मतलब कि इसका शेप डिफरेंट होता है। सो मेनली कार्बन के हमारे पास कितनी एलोट्रॉपिक स्पॉर्म है, एक हमारे पास है डायमंड और दूसरा हमारे पास है ग्रेफाइट, और तीसरा जो ये टॉपिक है उसमें हमारे पास है बकीपाल, बकीपाल। सो कार फर्स्ट ऑफ ऑल डायमंड, डायमंड में हमारे पास एक कार्बन फोर अदर कार्बन से बॉन्ड बना रहता है। इसी तरह ये कार्बन जो है फर्दर फोर कार्बन, और इसी तरह हर एक कार्बन हमारे पास क्या करता है, फोर कार्बन से बॉन्ड बना देता है। इन दिस वे द प्रोसेस कंटिन्यूज, और इसमें हमारे पास क्या है, सारे के सारे कार्बन चार बॉन्ड बना देता है। सो अगर इसको मैं जूम कर लूँ तो ये हमारे पास इस तरह का शेप आएगा। लाइक ये हमारे पास एक कार्बन है, इस कार्बन ने जो मेन कार्बन है हमारे पास इसने फोर बॉन्ड्स बनाए हैं। इसी तरह हर एक कार्बन जो डायमंड का होता है इसने फोर कार्बन से कोवेलेंट बॉन्ड बनाया होता है, और ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर जो है ये बहुत हार्ड होता है, मतलब डायमंड हमारे पास बहुत हार्ड होता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। सो ग्रेफाइट हमारे पास इस तरह का एक पॉलीगन टाइप का शेप बनाया जाता है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से बम बनाता है और इस तरह का हेक्सागन स्ट्रक्चर बन जाता है। अब फिर इस तरह एक और हेक्सागन स्ट्रक्चर नीचे होते हैं, और ये ऊपर जो कार्बन है और नीचे कार्बन ये इस तरह का बॉन्ड्स बना देता है, और ये जो होते हैं ये ग्रेफाइट हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ शीट्स होते हैं। अब जो लास्ट है, अब जो टॉपिक है वो हमारे पास है बकीपाल। बकीपाल में इस तरह का कार्बन क्या कर देता है, एक पॉलीगन शेप बना देता है। अब ये पॉलीगन का ये कार्बन दूसरे पॉलीगन का भी हिस्सा होता है, और इसी तरह ये हमारे पास किस तरह एक फुटबॉल जैसा हमारे पास क्या हो जाता है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है। सो दिस इज द कार्ड, व्हाट दिस इज कार्ड, पॉलीगन। सो इसी तरह अगर एक बॉल बन जाए, यानी जो हमारे पास जो इजी एग्जांपल है हमारे पास, वो एग्जांपल हमारे पास क्या है, फुटबॉल का। सो फुटबॉल को अगर हम देखें तो फुटबॉल हमारे पास इस तरह का पॉलीगन से बने होते हैं। सो अगर हर एक कॉर्नर पर हम कार्बन लगाए और रेस्ट बाकी हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड हो, तो ये हमारे पास क्या है, इससे हम एक्सप्लेन करते हैं बकीपाल। सो ये बॉल और ये बकीपाल का स्ट्रक्चर हमारे पास सेम होता है। अब डिफरेंट बकीपाल हमारे पास डिफरेंट का नंबर ऑफ कार्बन से एटम से बने होते हैं। सो जो सबसे कम तादाद है वो हमारे पास है C20, यानी बकीपाल का एक किस्म है जो हमारे पास 20 कार्बन से बना होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं C20। इसके अलावा हमारे पास एक और टाइप है जिसको हम कहते हैं C60, और इसके साथ साथ जो अदर टाइप्स है वो है 70
और 70 के बाद है 76 और 84। अब ये नंबर याद रखें कि आपको याद हो कि हमारे पास जो टाइप्स थे वो हमारे पास कार्बन की क्या थी, 20, 60, 70, 76 और फिर था 84। दीज आर द मेन फाइव टाइप्स ऑफ बकीबाज जिसमें हमारे पास कार्बन की तादाद डिफरेंट हो। सो ये जो C20 है इसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है, दिस इज द स्मॉलेस्ट ऑफ बकीबाज। अब C60 हमारे पास है मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल। सो अगर आपको एक गिवन हो कि बकीबाल की टाइप्स में सबसे कॉमन हमारे पास कौन सा है, सो दैट वन इज C60। अगर कहा जाए कि कौन सा स्मॉलर है तो हमारे पास है C20। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बकीबाल्स।